ये बड़ी खबर रायपुर से देख लेते हैं, जहां पर रायपुर कोर्ट ने मानहानि के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह और वरिष्ठ पत्रकार गिरिराज शर्मा को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मानहानि के मामले में दोनों को दंडित किया है। पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह ने दोनों के खिलाफ मानहानि का केस लगाया था। तो मानहानि के मामले में कोर्ट का अहम फैसला, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह को 6 महीने की सजा, पत्रकार गिरिराज शर्मा को भी 6 महीने की सजा सुनाई गई है। मानहानि के मामले में दोनों को दंडित किया है। पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह ने केस किया था जिसमें यह सुनवाई हुई। मानहानि के मामले में कोर्ट का ये बेहद ही अहम फैसला है। छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया है, किस तरह से देखते हैं और इस पूरे फैसले के क्या मायने निकाले जाए, सियासी अगर देखें तो? पुराना मामला है ये मामला, 2011 का एक मामला है जिसमें उस समय जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उनके प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ अखबारों में खबर छपी थी कि उन्होंने अवैध कमाई की है और उस कमाई से दुबई में एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है। इस तरह की खबरें जो है वो उस समय पत्रिका जो दैनिक अखबार है उसमें ये खबर छपी थी और इस खबर में जो शिकायतकर्ता थे जो वो थे कांग्रेस नेता आरपी सिंह, तो आरपी सिंह के हवाले से खबर पत्रिका में छपी थी और उसी पर जो है मानहानि का मुकदमा प्रमुख सचिव अमन सिंह ने दायर किया था और एक लंबी सुनवाई हुई 2011 से लेके करीब 8 साल तक इस मामले पे सुनवाई चली और सुनवाई के बाद अदालत ने जो है दोनों को दोषी पाया इस मामले में कि उन्होंने पूरी तरह से निराधार खबरें छापी थी और जो प्रवक्ता है आरपी सिंह उनका बयान भी जो है वो बिना किसी आधार के था और उसके चलते दोनों को जो है दोषी पाया गया और इसी के तहत दोनों को 6-6 माह की कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही 10,000 का जुर्माना दोनों के खिलाफ लगाया गया है। जानकारी के लिए।